नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एच सोम। तो ये जो ब्लॉग है ना, मैं आपको बता दूँ, ये भूले भटके बन रहा है, ये भूले भटके ये ब्लॉग बन रहा है। भूले भटके क्यों, ये सब आपको पता चलेगा। राइट नाउ मैं अभी साउथ सिटी में हूँ। भूले भटके इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग गए थे आपका बैंडल चर्च, इमामबाड़ा वगैरह वगैरह घूमने गए थे। तो वहाँ से रिटर्न आते वक्त दो रास्ते हैं, एक कोलकाता के लिए है और एक दक्षिणेश्वर के लिए है। मैं जो दक्षिणेश्वर वाला रास्ता है उसमें घुस गया, उसमें घुस जाने की वजह से मैं इधर से ऐसे आ रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि भूले भटके सीथी इलाका है, मतलब ये नॉर्थ कोलकाता है। नॉर्थ आपने इतने दिनों तक साउथ कोलकाता देखा, बहुत साउथ कोलकाता के बारे में जानकारी हासिल की, अब ये ज़रा सा नॉर्थ कोलकाता के बारे में जानकारी हासिल कर लो। ये नॉर्थ कोलकाता है, इलाका सीथी है। अब यहाँ से मैं सीधे जा रहा हूँ, मैंने अपना डेस्टिनेशन यहाँ पे चूज़ किया है, जैसा कि जीपीएस में एक साइड मोड़ पहुँच जाना मतलब सेंट्रल कोलकाता है। आराम की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मुझे सीधे जाना है, जैसे जैसे ये रूट बोल रहा है वैसे वैसे मुझे यहाँ जाना है। अब चलिए वही चल रहा हूँ, देख रहा हूँ अब कैसे क्या बनता है। तो आप लोग ना, ये जो नॉर्थ कोलकाता है उसका ज़रा जायज़ा ले लो, देख लो, ये है नॉर्थ कोलकाता। सेंट्रल कोलकाता को आपने देख चुका है, साउथ कोलकाता को देख चुके हो, अब नॉर्थ कोलकाता इसी बहाने देख लो कैसा है नॉर्थ कोलकाता। चिड़िया मोड़, ये है चिड़िया मोड़। यहाँ से जो दिखा रहा है मेरे को, ये सीधे जाना है, सीधे जाके हल्का टर्न लेकर फिर सीधे जाना है। तो कहानी कुछ ऐसे, शाम के बज रहे हैं 17:11, मतलब 5:11। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। रास्ते तो यहाँ के सही हैं, रास्तों में कोई वो नहीं है, फिर सेंट्रल कोलकाता का रास्ता इतना ख़राब क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आया। इतने हाई राइज बिल्डिंग भी बन गए यहाँ पे। GTS मीनार, ये ट्रिग्नोमेट्री काम के लिए ये मीनार बनाया गया है भाई। ये रास्ता सीधा श्याम बाजार जाता है। ये आरजीकर, मुझे जहाँ तक लगता है ये आरजीकर हॉस्पिटल इधर था और ये सीधे श्याम बाजार जा रहा है। अब रास्ता कुछ पहचान में आ रहा है मुझे। जी हाँ, ये श्याम बाजार इलाका है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी हाँ, ये श्याम बाजार में पहुंच गया हूँ। श्याम बाजार की निशानी है वो, देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई, ये रहा ऊपर, और यहाँ पे एक दुकान बहुत फेमस है, सामने दिख रहा होगा, वो सामने गोलबाड़ी कौसा मांगसो,
दैट इज़ द फेमस फॉर इन ऑल कोलकाता। ये गोलबाड़ी कौशा मांस था और श्याम बाजार इलाके में पहुंच गया हूँ। दिक्कत वाली बात तो है नहीं, अब सीधे जाना है, सीधे सियालदा, सियालदा होते हुए सीधे घर। हाँ जी, सीधे सियालदा। ये रास्ता आप पहचान रहे हो? ये रास्ता मैंने जो स्पोर्ट्स वाला था, स्पोर्ट्स वाले में डाला था, ये रास्ता है। यहाँ से देशबंधु पार्क की इस रास्ते से इधर जाना था। ये पूरा श्याम बाजार इलाका है। उधर जो आपने साउथ सिटी, चिड़िया मोड़ वगैरह वगैरह देखा, वो नॉर्थ कोलकाता है। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल है ना, क्या बताएं, हद से ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल है। यहाँ देखो हाट लगा हुआ है शाम को। और ट्राम लाइन ये नीचे, ये ओल्डेस्ट कोलकाता आप कह सकते हो इस एरिया को। बहुत पुराना है, बहुत पुराना ये जगह है। इस जगह को आप पुराने जगहों में गिनती कर सकते हो। और नवजागरण की, भारत के नवजागरण की शुरुआत यहीं से हुई थी। ये जो ओल्ड कलकत्ता है ना, यहीं से शुरू हुई थी। तो इस जगह का महत्व भी भारतीय इतिहास में बहुत है। और मैं तो आज इधर आ गया हूँ क्योंकि भैया गलती से मैं रास्ता भटक गया था, दक्षिणेश्वर चला गया था मैं। तो दक्षिणेश्वर से होते हुए इधर घूमते घामते मैं इधर चलाया। अरे मेरे साथ का जो बंदा था इंद्रो, वो तो भगाया भैया, उसकी 411 सीसी की गाड़ी है, वो लेप भगाना शुरू किया, बस भगा के आगे निकल गया। मेरे एक ब्लॉग में देखे हो गया आपने, साउथ कोलकाता टू नॉर्थ कोलकाता। ये देखो ये वाली जो बिल्डिंग है ना सामने, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग को आपने देखा होगा। ये राजा बाजार इलाका है, राजा बाजार, इसके बाद ही सियालदा, ज़्यादा दूर है नहीं। अब मुझे, पहले तो थोड़ा सा वो लगा था कि अरे भाई मेरे रास्ता भटक गया ना, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये जब भी दिल्ली रोड में मैं जाता हूँ ना, मैं कंफ्यूज होता हूँ। जब भी दिल्ली रोड में जाता हूँ मैं कंफ्यूज होता हूँ कि भाई जाते वक्त सही है, आते वक्त भाई कौन सा कहाँ जाता है। बस कंफ्यूजन का हाल ये था कि मैं दक्षिणेश्वर घुस गया, और दक्षिणेश्वर घुसने का नतीजा ये हुआ कि मुझे इस जगह से जाना पड़ रहा है। इस जगह को आपने पहले देख चुके हो, आप लोग एक ब्लॉग में आप लोग देख चुके हो। अभी मैं सेंट्रल कोलकाता में प्रवेश कर चुका हूँ। जी हाँ, अभी मैं सेंट्रल कोलकाता में प्रवेश कर चुका हूँ। नॉर्थ कोलकाता, नॉर्थ नहीं नहीं नॉर्थ ही है। धीरे धीरे सेंट्रल में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। और ये राजा बाजार इलाका देखो कितना कंजस्टेड है। तो चलो, भटकने का नतीजा ये हुआ कि एक ब्लॉग आप लोगों को मिल गया। कोलकाते का मोस्ट मैक्सिमम एरिया मैंने कवर कर लिया, एकदम दक्षिणेश्वर
या नॉर्थ कोलकाता बोलिए, सीथी चिड़िया मोड़ आप लोगों ने देख लिया, सेंट्रल कोलकाता को आप लोगों को पता ही था, साउथ कोलकाता भी देख लिया। ये रहा सियालदा स्टेशन, घड़ी देख रहे हो 17:28। तो भैया अभी मैं सेंट्रल कोलकाता आ चुका हूँ, सियालदा आ चुका हूँ। ये मौलाली मोड़, मौलाली मोड़ से सीधे मेरे को जाना है। तो चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों ने देखा ही है हर बार। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को, इस झटके वाले ब्लॉग को, अचानक ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।